हेलो दोस्तों, मैं राजू सरफराज और आप देख रहे हैं शिप टैक। तो दोस्तों, क्या आप भी 5G नेटवर्क का वेट कर रहे थे? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बनी है, क्योंकि 5G नेटवर्क जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बहुत टाइम से जो है अटकलें चल रही है कि अब लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहा है। कुछ वजह है जिसकी वजह से जो है 5G नेटवर्क लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि 5G नेटवर्क जो है कब लॉन्च हो रहा है और कौन सी कंपनी जो है सबसे पहले आपको 5G नेटवर्क देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बहुत टाइम से ये चल रहा है कि 5G नेटवर्क लॉन्च होने वाला है और 5G नेटवर्क जल्द ही लॉन्च होगा, तो 5G नेटवर्क की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है, लेकिन 5G नेटवर्क है कि लॉन्च नहीं हो पा रहा है। मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत से बंदों के मैसेज आ रखे हैं कि 5G नेटवर्क कब होगा, 5G नेटवर्क कब लॉन्च होगा, 5G नेटवर्क कब लॉन्च होगा। ऐसे बहुत से जो है मैसेज मेरे पास जो है आ रखे हैं इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि जो है अब 5G नेटवर्क की कंफर्म डेट जो है आ गई है, कंपनी जो है अपना जो है 5G नेटवर्क जल्द ही लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें 5G नेटवर्क लॉन्च होने में क्यों देरी हो रही है। कंपनियों को जो है 5G स्पेक्ट्रम जो है अभी मिले नहीं है, यानी कि सरकार ने जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की है। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे निकली है कि जो है 5G नेटवर्क आपका जो है जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हम बहुत जल्द करने वाली है। यानी कि जो है 2022 और 23 के जो है बीच में, 22 और 23 के यानी कि 22 में छठे महीने के बाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, यानी कि टाइम से जो है नीलामी होगी। क्योंकि ये सामने आ रहा था कि स्पेक्ट्रम जो है लेट भी जो है नीलाम हो सकता है, लेकिन अब जो डेट जो है सामने आई है वो आई है जून या जुलाई में जो है स्पेक्ट्रम जो है नीलामी हो जाएंगी। और कंपनियों की तरफ से ये भी बोला गया था कि सरकार को स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम किया जाए। अब सरकार की तरफ से इस पर भी जो है फोकस किया जा रहा है कि कम प्राइस में जो है कंपनियों को जो है स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। अब जो स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा उसी टाइम जो है 5G नेटवर्क भी लॉन्च हो जाएगा। कंपनियों की तरफ से 5G नेटवर्क पूरा तैयार है, जियो और एयरटेल की तरफ से तो पूरा तैयार ही है, वी नहीं कह सकते, लेकिन 5G नेटवर्क जो आएगा वो एयरटेल और जियो में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सिर्फ कंपनियां इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि सरकार जो है स्पेक्ट्रम नीलाम करेगी, तभी जो है 5G नेटवर्क आ पाएगा। कंपनियों ने ऐसा बोल दिया है कि हमें जो है स्पेक्ट्रम मिल जाए तो तुरंत जो है 5G नेटवर्क हम लॉन्च कर देंगे। कंपनियों की तरफ से पूरा इंतजाम हो रखा है, सिर्फ 5G नेटवर्क आने में देरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो है स्पेक्ट्रम अभी मिला नहीं है। और सरकार ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि बहुत जल्द जो है स्पेक्ट्रम अब नीलाम हो जाएगा। कंफर्म डेट जो है अपनी जो है आ गई है स्पेक्ट्रम नीलामी की, क्योंकि बहुत टाइम से जो है यही चल रहा था कि स्पेक्ट्रम अब नीलामी होगी, स्पेक्ट्रम की अब नीलामी होगी, बहुत टाइम से ये चलता आ रहा था। इसी वजह से जो है 5G नेटवर्क लेट हो रहा है आने में। तो दोस्तों, अब जो है जून जुलाई में या अगस्त में अपना जो है 5G नेटवर्क आने वाला है, पूरा कंफर्म डेट जो है ये अब अनाउंसमेंट हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से 5G फ़ोन परचेज कर रखा था तो अब जो है आपका 5G फ़ोन जो है काम में आने वाला है, क्योंकि 5G नेटवर्क अब जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत से बंदों ने जो है 5G मोबाइल पहले से ही परचेज कर रखा है और उनका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया है, लेकिन वो 5G नेटवर्क के काम नहीं आया, यानी कि 5G नेटवर्क अभी तक उसको मिला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो आपको जो है 5G नेटवर्क मिलने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल की रिव्यूज भी करता रहता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।